छठ महापर्व पर महंगाई का असर, भक्तों की आस्था या महंगाई का बोझ, इसी सवाल के जवाब के लिए छठ महापर्व पर टीम न्यूज फोल्डर ने बाजारों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और ये जानने की कोशिश की कि कैसे बढ़ती महंगाई आस्था के पर्व छठ पर अपना असर दिखा रही है। छठ महापर्व आस्था का वो पर्व है जब भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए किसी पवित्र नदी या पवित्र स्थान पर एक साथ जमा होते हैं और हर साल लाखों लोग छठ महापर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार इस आस्था के पर्व पर महंगाई की मार पड़ चुकी है। पूजा के लिए जरूरी नारियल, केले, गन्ना और अन्य सामग्री की कीमतें आसमान छू रही है। लोग हर बार से ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर हैं, तो वहीं दुकानदार भी कहते हैं कि उनके लिए भी यह मुश्किल वक्त है। सामान की कीमतें उनके लिए भी बढ़ चुकी हैं। वो चाहकर भी सस्ते दाम पर पूजा की सामग्री नहीं बेच सकते। बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन और माल की लागत ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में इस बार छठ महापर्व को लेकर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार ने भी छठ महापर्व पर छुट्टियां घोषित की हैं, जो 7 नवंबर को छठ महापर्व के दौरान अवकाश घोषित किया है। उससे पहले हमने बाजारों में उतरकर ये जानने की कोशिश करी कि इस बार छठ महापर्व की क्या तैयारियां हैं, छठ महापर्व को लेकर दुकानदारों का जो माहौल उनका कितना सकारात्मक है, या महंगाई का तड़का इस बार छठ महापर्व पर लगेगा। इन तमाम चीजों का मद्देनजर रखते हुए हम पहुंचे डाबड़ी मोड़, जहां हमने छठ महापर्व का सामान बेचने वाले दुकानदारों से बात की, तो इनका साफ तौर पर ये कहना था कि आज उम्मीद लगाए बैठे हैं इस दुकान से कि कल शायद ग्राहक आए और इनकी दुकान चल निकले, जिसकी वजह से ये कुछ मुनाफा कमा सके और अपनी जीविका बना ले। लेकिन वही इन लोगों में एक अफसोस भी नजर आया कि ये लोग साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि करीब 30-35% जो पिछले साल महंगाई का जो आंकड़ा था उसको इस बार पार कर चुका है। जो सामान 50 रुपए का था वो 75 तक पहुंच गया है और जो 100 का था वो करीब 140 तक पहुंच गया है। अगर इन लोगों की बात मानी जाए तो निश्चित रूप से जब ये बाजार से महंगा सामान खरीदेंगे तो ग्राहकों को भी महंगा ही देंगे, और जब महंगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक खुलकर खरीदारी नहीं कर पाएगा और वो कम खरीदारी का असर इनकी दुकान पर भी दिखाई देगा, इनकी दुकानदारी पर भी दिखाई देगा। क्योंकि वैसे भी इस वक्त अगर बात मानी जाए तो जो महंगाई है वह चर्चा का विषय है और लोगों में एक धारणा भी बन चुकी है कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में दुकानदारों का भी खुद के मुंह से स्वीकार कर लेना कि सामान महंगा है और हमें मजबूरन महंगा बेचना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को एक जगह ले जाके सेंट्रलाइज करता है कि महंगाई की मार पड़ना इस बार छठ महापर्व पर लाजमी है। रेट में सूप दौरे में डबल डबल रेट का फर्क है। जो पिछले साल 50 रुपए बिक रहा था, इस साल 100 रुपए बिक रहा है मंडी में। जैसे इस साल सारे माल ही महंगा है, डबल रेट मंडी में। आज इस साल सूप हम लोग लाते थे 40 रुपए के लिए, मंडी में 90 रुपए का रेट है। इस साल हल ये भी हम लोग लाते थे 40 रुपए के लिए, 70 रुपए का मंडी में रेट है। डबल रेट इस साल है, हर माल का डबल रेट है। आइए बात करते हैं एक ऐसे ही दुकानदार से जो छठ महापर्व पर उम्मीदें लेकर बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, इस बार छठ पर क्या खास है, कुछ बताएं, मार्केट का हाल बताएं। इस बार पहले से जो है बाजार थोड़ा सा डाउन है। इस बार जो अब आज पहला दिन है, अब कल देखा जाएगा कल क्या पोजीशन रहेगी बाजार की। अच्छा, जो आप सामान बेच रहे हैं, आप कई सालों से सुना है बेचते आ रहे हैं, तो क्या इस बार दामों में कुछ अंतर है? जी इस बार ही थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ, थोड़ा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि मान के चलिए 20-30% एक्स्ट्रा है। मतलब जो चीज हम 100 रुपए की लाते थे वो हमें पड़ रही है इस बार 120-130 की खरीद पड़ रही है, यानी 20-30 रुपए ज्यादा है। तो इस साल जो महंगाई है, क्या वो आपकी दुकानदारी पर भी असर रखेगी? जी बिल्कुल रखेगी, थोड़ा बहुत तो असर रखेगा, क्योंकि ग्राहक खुल के दुकानदारी नहीं कर पाएंगे। जी, और बाकी यहाँ पे कंपटीशन रहेगा तो हम रेट टू रेट भी निकाल देंगे इसको। चलिए, कहते हैं
की पत्थर की मूर्ति बनकर भगवान बिक जाते हैं बाजारों में, क्योंकि कोई अपने घर खुशी मना सके त्योहारों में। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए जो आज हमने आपको दिखाई महंगाई को लेकर कि छठ महापर्व पर इस बार 20 से 30% और 40% तक का महंगाई का तड़का लगने वाला है। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फोल्डर से। होगी फिर मुलाकात किसी विषय पे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।